नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। योगी का नारा क्या अखिलेश यादव डर गए और भाईजान भड़काने लगे। योगी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, शौकत कुर्बानी तक पहुंच गए। और सवाल ये भी कि एकजुटता में नकारात्मकता, हिंदू एकता से अखिलेश यादव को डर लगा क्या? सीएम योगी के नारे बटोगे तो कटोगे नारे से लगता है विपक्ष का इकोसिस्टम हिल गया है। अखिलेश यादव को हिंदू एकजुटता वाले नारे में नकारात्मकता दिख गई है। अखिलेश ने इसे इतिहास का सबसे खराब नारा बताते हुए इसे बीजेपी के लिए आखिरी शाब्दिक कील करार दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी के यूपी के नेता शौकत अली ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बता दिया। शौकत कह रहे हैं कि मुसलमान बटे इसीलिए कटे। शौकत लिंचिंग, लाउडस्पीकर, दाढ़ी टोपी तक पहुंच गए। तो सवाल तो उठता है कि क्या इस एक नारे ने विपक्षी सियासत में हड़कंप मचा दिया? क्या ओवैसी की पार्टी को यूपी में मौका मौका दिखने लगा? करेंगे इसी पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कट गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। मुसलमान बटा उसकी लिंचिंग हो गई, मुसलमान बटा उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए, मुसलमान बट गया, मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया। क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान ने विपक्ष के पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया है? हिंदू एकता पर दिए योगी के नारे और पीडीए पर पड़ती चोट की काट, सपा की ओर से नए नए पोस्टर और नए नए नारों से अभी तलाशी जा रही है कि ओवैसी की पार्टी भड़काऊ नैरेटिव के साथ इस जंग में कूद पड़ी है। यूपी में ओवैसी के सिपा सालार शौकत अली ने योगी के नारे को हिंदू एकता वाला नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ दिया नारा बता दिया। योगी ने हिंदू एकता के लिए नारा दिया बटोगे तो कटोगे। शौकत अली कौम को भड़काते हुए इस नारे को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे और कह रहे मुसलमान बटा भी और कटा भी। और मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के ऊपर कहा है कि मुसलमान बटेगा तो कटेगा। बट गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। मुसलमान बटा उसकी लिंचिंग हो गई, मुसलमान बटा उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए, मुसलमान बट गया, मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया, मुसलमान बट गया, उसकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, मुसलमान बट गया, आज उसकी दाढ़ी और टोपी को नोचा जा रहा है। शौकत अली कह रहे हैं कि मुसलमान बटा तो उसकी लिंचिंग हुई, जबकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हुई, सरतन से जुदा भी हुआ। शौकत अली कह रहे हैं मुसलमान बटा तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि लाउडस्पीकर तो इसलिए उतरे क्योंकि वो बिना इजाजत के नियमों के खिलाफ लगे थे। शौकत कह रहे मुसलमान बटा तो उसे कुर्बानी से रोका गया, जबकि कुर्बानी के लिए सिर्फ नियम तय किए गए, रोका नहीं गया। शौकत अली शरीयत में मदाखलत की बात कर मुसलमानों को भड़का रहे कि मुसलमानों की दाढ़ी टोपी नोची जा रही। वैसे शौकत अली का भड़काऊ बयान देने का शगल पुराना है। 2022 में इन्हीं शौकत अली ने मुसलमानों को भड़काते हुए हिंदुओं की तुलना कीड़े मकोड़ों से कर दी थी। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे मार करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधा बाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? वैसे ओवैसी की पार्टी में भड़काऊ बोलने वालों की पूरी फौज है। वारिस पठान और छोटे ओवैसी 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी जैसे बयान देकर पहले भी कौम को उकसाने का काम कर चुके हैं। बहरहाल शौकत अली ने बटोगे तो कटोगे का मुस्लिम नैरेटिव निकाला तो जवाब भाजपा की ओर से आया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बटने पर कटने का उदाहरण इतिहास को सामने रखकर दिया। जब जब हम बटे, हम विचारों में बटे तो पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे देश का टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश अलग हुआ। हम जब थोड़ा सा भी बटते हैं तो आप मोहम्मद गोरी से लेकर के अब तक देखिए, हम जब जब बटे हैं तो हमें बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है, अब हम नहीं बटना चाहते। बटने कटने की सियासी लड़ाई में आज अखिलेश यादव फिर कूदे। अब की बार पोस्टर का नहीं, सोशल मीडिया का सहारा लिया। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के बाद अब अखिलेश यादव ने बटोगे तो कटोगे नारे को नकारात्मक नारा और बीजेपी की निराशा नाकामी का प्रतीक बता दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर
देखा। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने की कगार पर है। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। अखिलेश यादव ने योगी के नारे को बीजेपी के लिए शाब्दिक कील सा बताया तो बीजेपी सामने आई और दो टूक कह दिया कि नारे का निशाना बिल्कुल सटीक लगा है और इसीलिए निराशा दरअसल सपा के पूरे खेमे में। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने समाज और देश में जनजागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है। बिन इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिंच भू दी। तो क्या वाकई योगी के नारे का निशाना सटीक है? इसीलिए सभा की ओर से बेचैनी में पोस्टर पे पोस्टर आ रहे हैं। बटोगे तो कटोगी काट में, कभी नफरत वाले हटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे देने के बाद इसे बीजेपी के लिए शाब्दिक कील बताया जा रहा। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली ओवैसी की पार्टी इसके सहारे कौम को भड़काकर अपनी पैठ को यूपी में और मजबूत करने का मौका तलाश रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ प्रदीप भंडारिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश, आपसे शुरू करता हूं। पहला सवाल यह है कि शौकत अली सामने है, भड़काने का इनका शगल पुराना, उस पर आऊंगा, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि इस नारे ने आपको मौका मौका वाली सिचुएशन यूपी में दे दी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मौके वोके वाली सिचुएशन की बात नहीं है। 47 से लेके आज तक तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। उसमें सबसे पहला नंबर आता है कांग्रेस का, उसके बाद समाजवादी पार्टी का। भाजपा तो अपने खिलाफ मोर्चा लामबंद है ही, भारतीय जनता पार्टी तो वाहिद एक पार्टी है जिसने इस देश में मस्जिदों के खिलाफ मूवमेंट, बाकायदा मूवमेंट चलाया और मस्जिद उसको ढहा दी। तो ये हम देश में देखते आ रहे हैं। फिर उसके बाद शुरू हुआ सन 47 के बाद आपने देखा होगा कि ईद के दिन ईदगाहों में गोलियां चली है, चाहे भागलपुर हो, चाहे मलियाणा हो, चाहे बंगाल हो, हिंदुस्तान का कोई कोना बाकी नहीं है। जिस दौर में मुसलमानों को आप लोग बना दिए हैं, क्या कुछ भी कोई टीवी का मतलब है थोड़े कि किसी को कुछ भी बोलने दिया जाए। एक आदमी हिंदू के महिलाओं को बहन को गालियां दे रहा है, खड़ा होकर टेलीविजन पर उसका बयान चलाया जा रहा है। एक आदमी बैठ के कह रहा है कि बीजेपी ने सब मस्जिद के खिलाफ अभियान चला दिया तो कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे क्या क्या भाषा है, नहीं, अवधेश जी आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है, अवधेश जी आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है, और जो आपने बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इंटरप्ट किया वो ऑब्जेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। दानिश आपको मैं समय देता हूँ, दानिश मैं आपको समय देता हूँ, और मैं जानबूझकर शुरुआत में बोल नहीं रहा था कि दानिश फिर कहेंगे हमको बोलने का समय नहीं दिया। अब दानिश, आपकी सपा से अदावत हो गई है भाई, लेटर लिख लिख कर आप लोग थक गए, सपा को तो जगह मिल नहीं रही, कांग्रेस आपको भाव दे नहीं रही, तो आपकी उनसे जो नाराजगी है वो मुझे समझ में आ सकती है महाराष्ट्र में, तो वो गुस्सा यहां पर निकालिए नहीं सर, आपके किसी पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात है, सुनिए सर, मैंने क्यों भड़काने वाली बात कही, शौकत अली ने कहा, मैं दानिश आपी के पास हूँ, सवाल सुन लीजिए, दानिश आपी के पास हूँ, सवाल सुन लीजिए, और आपके भड़काऊ बयानों का सच क्या है वो भी जरा टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स डाल दीजिए। सुनिए भाई, दानिश सुनिए प्लीज, मैं आपको समय दे रहा हूँ, सवाल सुनिए, अरे सुनिए पहले दानिश अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बीजेपी पर जाइएगा जब प्रदीप भंडारी आपसे सीधे बात करेंगे, आप उनको काउंटर करिएगा। सवाल यह है कि शौकत अली ने कहा बटोगे कटोगे नारा मुसलमानों के लिए, जबकि हिंदू एकजुटता का नारा है, बढ़ गया मुसलमान कट गया मुसलमान, इस नारे का मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान बटा, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, भाई नियमों के खिलाफ लगे थे उतारे गए, मंदिरों से भी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, कुर्बानी से रोका गया मुसलमान बढ़ गया तो, बकरीद में नियमों के तहत कुर्बानी दीजिए, ये नियम तय हुए, किसने रोक दिया कुर्बानी से,
शरीयत में मदालखत हो गई, कोई धर्म में दखल नहीं, तो ये प्रोपेगेंडा भड़काऊ बातें छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सिर्फ भड़काऊ बातें करके आप यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के सहारे। अच्छा आप जवाब सुनेंगे? बोलिए। हाँ देखिए, अब मैं आपको बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की नौटंकी करने की कोशिश कर रही है ना, उसकी कलई अभी ऐसे खुलेगी कि अभी बातें करेंगे हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की, हिंदू एकता की, लेकिन उसके बाद 16 लाख करोड़ रुपए जब बांटने के आएंगे तो वो उनके जो अजीज धनपति हैं सिर्फ उनको दिए जाएंगे। बेचारे सामान्य सनातनवादी या सामान्य हिंदू, सामान्य मुसलमान, सामान्य सिख, सामान्य, अभी आप हिंदुओं से ये दिखावा, प्रेम का दिखावा मत करिए, दानिश हिंदुओं से प्रेम का दिखावा मत करिए। अभी आपके जो बयान है, शौकत अली के यूपी के आपके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो भड़काऊ बातें कही उस पर जवाब दीजिए। उसके बाद नहीं भाई ठीक है, दानिश आपके बीजेपी से सवाल है, वो प्रदीप भंडारी से आप पूछिएगा, प्रदीप भंडारी उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये भड़काऊ बातें क्यों, ये प्रोपेगेंडा वाली बातें क्यों, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आप बीजेपी से सवाल जवाब करते रहिए, मुफ्त में दे देने की राजनीति करके ये हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, पारसियों को, जो जैनों को जवाब नहीं देंगे दानिश, बेवकूफ बनाने की राजनीति करने की कोशिश है। मुझे लगता है प्रदीप भंडारी इनके पास जवाब नहीं है, और जवाब इसलिए नहीं है, जवाब इसलिए, अरे सुनिए दानिश, हो गया भाई, तीन चार पांच मिनट में लगातार आपके पास रहा हूं और आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बजाय इसके कि सपा और कांग्रेस अपनी गुस्सा निकालिए और बीजेपी से आप सवाल करिए, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। प्रदीप भंडारी, मैं कहना चाहता हूं राकेश जी, ये दानिश कुरैशी जी पूर्व में भी भड़काऊ बयान देने पे हिंदू आस्था का पान करने के लिए अरेस्ट हो चुके हैं। 18 मई 2022 को इन्होंने हमारे शिवलिंग का अपमान किया था, इनकी पोस्ट के ऊपर ये गुजरात पुलिस ने इनको अरेस्ट करा था। तो मेरा इनसे निवेदन है कि हिंदू भावनाओं का इस तरीके से ठेस मत पहुंचाइए, वरना कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, जैसे 18 मई 2022 को हुई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं कि आप हिंदू भावना का अपमान करें। दानिश जी पूर्व के अंदर भी आपने हमारे शिवलिंग का अपमान किया था, थोड़ा संभल के बात करिए, अपने अंदर की घृणा को कंट्रोल करिए। मैं कहना अखिलेश यादव जी के समय जब उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एकता नहीं थी। एक मिनट दानिश, अभी आप अवधेश जी को ज्ञान दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए वरना आप इंटरप्ट करते रहेंगे, तो वो ज्ञान थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। प्रदीप भंडारी को सुनिए, उसके बाद पॉइंट नोट कर लीजिए, आपके पास आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा, आपको समय दूंगा, इसके बाद तुरंत समय दूंगा, किसी और के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बीच में टोका टाकी नहीं, शुरुआत में ही, तो जो ज्ञान दूसरों को देते हैं अपने पर अप्लाई किया करिए। प्रदीप भंडारी अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं राकेश जी, जब भारत के अंदर ये लोग हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे थे, अपना MY कॉम्बिनेशन आगे चलाया कर रहे थे, तो 500 साल तक प्रभु श्री राम को इन्होंने टेंट में रखा था। जब हिंदू एक हुआ, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, जब ये बांटने की स्थिति में इन्होंने 17 बार सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करने का प्रयास करा। और मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव जी आदर्श राज्य की बात करते हैं, ये इनकी पोल खोलना चाहता हूं, इनके आदर्श राज्य के अंदर झारखंड के अंदर फतवा जारी की जाती है, यह 24 अक्टूबर को फतवा जारी करी गई है ऑल इंडिया मूवमेंट द्वारा, जो ये कह रहा है कि हर मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस को वोट करना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि जब इस तरीके के फतवाए घोषित किए जाते हैं तो इंडिया अलायंस का एक भी नेता इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करनी है और ये इसीलिए घबरा चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे, बटे रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारे से, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे से, क्योंकि इनको पता है कि जब 140 करोड़ भारतीय कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उसका भी रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश प्लीज, और मैं सबसे कह रहा हूं, अगर आप कुछ काउंटर करते हैं, एक या दो लाइन से ज्यादा बोलते हैं, तो मैं PCR को बोल दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दिया करिए, वरना दर्शक ये शिकायत करते हैं। आपको कुछ भी काउंटर करना है, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं, कुछ भी काउंटर करना है, आप एक दो लाइन कभी भी बोल लीजिए, लेकिन लगातार बोलना है तो इशारा करिए, मैं आऊंगा। सुनिए पांडे जी, अगर आपको अगर आपत्ति है तो फिर मुझे बुलाया मत करिए। आपत्ति नहीं है दानिश भाई, मुझे आपत्ति लगातार बोलने से है। नहीं, तो ये बीच में जब इंटरप्ट कर रहे थे अवधेश जी, तो अवधेश जी ने इंटरप्ट किया ना, प्रदीप भंडारी ने तो इंटरप्ट नहीं किया। नहीं तो प्रदीप भंडारी के बीच में आपने बोला क्यों शुरू किया, उस पर इंटरप्शन दे रहा हूं। चलिए अपनी बात रखिए, मुझसे कह रहे हैं
हाँ आप ही से कह रहा हूँ लगातार, आप ही इशारा कर रहे थे। बताऊं प्रदीप, सुनिए मैं आपको बताऊं, प्रदीप भंडारी जी जो बातें कर रहे हैं, दरअसल वो ये बात सबसे पहले तो व्यक्तिगत पे आ गए कि भाई इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। शायद प्रदीप भंडारी ये भूल गए कि इस देश के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर के टैग के साथ में एक मस्जिद ढाने के प्रोग्राम के अंदर में लिप्त पाए गए। ये मात्र एक वाइट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये काम देश के अंदर में किया। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि शौकत अली साहब जो कह रहे हैं, शौकत अली साहब क्या गलत कह रहे हैं मुझे ये बताइए, मुसलमानों के साथ जब जुल्म और ज्यादती होती है तो कौन निकल के आता है? उत्तर प्रदेश में कौन आता है? क्या समाजवादी पार्टी आती है? क्या कांग्रेस आती है? क्या भाई दानिश, आप जो जुल्म ज्यादती गिना रहे हैं वो जुल्म ज्यादती कहां से हो गई? लाउडस्पीकर की बात करें, नियम के खिलाफ लाउडस्पीकर लगाएंगे तो उतारे जाएंगे। अच्छा मैं बताऊं आपको, जब आ रहा प्रदीप भंडारी, मुझे पता है आपको अटल बिहारी वाजपेयी और सब पर रिप्लाई करना है, मैं जानबूझकर उस पर नहीं गया, आप रिप्लाई करिएगा। 10 सेकंड सुनिए, बोलिए। मैं आपको बताऊं कि जब होली आती है तो होली में आप मस्जिदों को कवर कर देते हैं, एक परिवार जो रास्ते पे निकलता है उसमें महिलाओं के साथ में, जिसने कवर किया था उसकी आलोचना हुई थी, वो कवर तुरंत हटा भी था और हमने भी उसका विरोध किया था। तो आपने ये प्रोपेगेंडा मेरे सामने लेकर आया मत करिए, मेरे सामने जाकर कहिए वहां पर की माफी मांगे। आप माफी मांग लिए क्या? शौकत अली ने माफी मांग ली क्या? आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेंगे, तो माफी मांग लिया क्या आज तक? नहीं मांगा ना माफी, तो मेरे सामने किसी के माफी की गारंटी लेकर मत आया करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं प्रदीप भंडारी, यही शौकत अली ने हिंदुओं को कीड़े मकोड़े कहा था। मैं कहना चाहता हूं, चलिए राकेश जी ये सब करिए, हम सब भारतीय हैं। मैं कहता हूं शो पे भारत माता की जय, बोलिए दानिश जी अगर भारत माता की जय बोल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदू सुनिए, जो आदमी भारत माता की जय ना बोल सके उसको किसी मुद्दे पे कहने का हक नहीं है। यही एक्सपोज हो गए, ये भारत की एकता के खिलाफ लोग हैं, क्योंकि ये भारतीयों के एकता में विश्वास नहीं रखते, ये सिर्फ मुसलमान समाज को बहकाने का काम करते हैं। 6 महीने तक इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप सीए से चली जाएगी, एक मुसलमान की सिटीजनशिप सीए से नहीं गई। जो लोग भारत माता की जय ना बोल सके वो क्या भारत भूमि के लिए काम करेंगे? बोलिए आप संविधान जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय तो बोलो भाई, भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो क्या भारत भूमि के लिए? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हो गया दानिश, इतने भड़काऊ बयान उनका सच भी हमने दिखाया, लेकिन उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है दानिश कुरैशी। बजाय इसके कि सपा कांग्रेस अपना गुस्सा निकालिए, बीजेपी पर आरोप लगाइए, कुछ तो अपने ऊपर सवालों का भी जवाब दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फराज की दुबई, रुक जाइए सर, हो गया दानिश भाई, रुक जाइए, हो गया फराज की दुबई। हिंदू एकजुटता में नकारात्मकता कैसे दिख गई भाई? एकजुटता की बात में निगेटिविटी भी होती है क्या? ये पहली बार आज पता चला। राकेश जी आपके चैनल का गलत इस्तेमाल हो रहा है और आपको पता भी नहीं चला, आप पूछिए कैसे? आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, बिल्कुल आवाज आ रही है, सुन रहा हूं जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी और दानिश भाई ये बड़े भाई छोटे भाई हैं, ये लोग दिल्ली में शाम को आपस में बैठ करके कॉफी पीते हैं और उसके बाद में बोलेंगे कि टीवी पे तुम हमको ये बोलना, हम तुमको बोलेंगे ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो, मुसलमान हम ले जाए, हिंदू तुम ले जाओ। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव की जो पीडीए क्रांति है वो इनके भाईचारे को हमेशा से उसके बीच में रहेगी। अब देखिए राकेश भाई, मैंने ये इसलिए बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया था दानिश जी ने। अब जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी, एक बात कह दूं फराज किदवई जी, एक बात कह दूं, आपकी पार्टी में अंदर विरोधाभास है, आपकी पार्टी खुद नहीं पता कि वो किस रास्ते पर चलती है, पूछिए कैसे जिस अंदाज में आपने कहा। तो मैं बता देता हूं कैसे, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद ही कह दिया था कि फिर से मोदी सरकार आ जाएगी, अजीब स्थिति, आप चुनाव में भी जा रहे हैं और मोदी सरकार वापस भी आ रही है। तो सर पहले अपने गिरेबान में झांका करिए, चलिए सवाल पर आ जाइए। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिस्टम में जो कुछ ब्रोकर्स हैं मैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझता हूं, क्योंकि वो ब्रोकर्स व्यापारियों को कभी डराते हैं, कभी आम जनता को डराते हैं और उसके बाद में और डरा करके धन उगाही करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी डरा करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले दिवाली गई है राकेश जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब आप सब लोगों को पता होगा, आप लोग विद्वान हैं, लेकिन मैं आपकी दर्शकों के लिए बता दूं कि रामचंद्र जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न हो गए,
और राम जी के प्रताप से सबके मनों में भेदभाव और कुटिलता नष्ट हो गई और कोई किसी से बैर नहीं रखता था। अब देखिए राकेश जी, ये लड़ाई जो है ये राम भक्तों और नाथू राम भक्तों के बीच की है। ये जो नाथू राम भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, वो इस देश में नफरत फैला करके हिंदू को मुसलमान से बैर करा करके, बैरू न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई, ये लड़ा करके एससी एसटी ओबीसी को, अपर कास्ट से हिंदू को मुसलमान से, किसी ना किसी तरह से वोट के सिस्टम में आना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये लड़ाई राम भक्तों और नाथू राम भक्तों के बीच। प्रदीप भंडारी, आखिरी बार आपने प्रवचन कब सुना था? इतनी रामायण की चौपाइयां नहीं सुना था। आज आपकी इच्छा देखिए पूरी हो गई। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी इतनी राम भक्त है, झूठ मूठ का आप लोग कहते रहते हैं। मैं पूरी बात करूं राकेश जी, या बंद कर दूं? नहीं, आप कर लीजिए सर एक छोटा सा, चुकी बड़ी आपकी चौपाइयां अच्छी लग गई तो मुझे लगा प्रदीप भंडारी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आ जाऊंगा आपके पास। अब मैं, प्रदीप भंडारी जी ने अभी बोला ना कि हम लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। अरे साहब, जिस चीज को प्रदीप जी आप विघटन बोलते हैं ना, जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको सामाजिक न्याय बोलते हैं, और जिस चीज को आप विभाजन बोलते हैं जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको जस्टिस बोलते हैं, जिसमें सोशल जस्टिस भी आता है, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है और जिसमें कल्चरल जस्टिस भी आता है। अब मैं राकेश जी आपको बताता हूं कि ये कैसे बांटते हैं और कैसे काटते हैं। आप 80-20 की बात करते हैं। अरे आपने ठीक, एक मिनट फराज किदवई थोड़ा सा समय दीजिए, प्रदीप भंडारी रिप्लाई कर दे, फिर आ जाऊंगा। 30 सेकेंड। इनके आदर्श समाज के अंदर, इनके समाजवाद के अंदर प्रभु श्री राम टेंट में रहते हैं। इनके समाजवाद के अंदर ये 1 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते। इनके समाजवाद के अंदर 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला मोहित खान इनकी पार्टी में बना रहता है, क्योंकि सिर्फ एक समाज एक धर्म से आता है। इनके समाजवाद के अंदर ये हिंदुओं में कास्ट सेंसस कराते हैं पर मुसलमानों की जाति की बात नहीं करते। इनके समाजवाद के अंदर जब इनकी सरकार होती थी बदायूं के अंदर 22 में से 16 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, कानपुर में से 36 में से 25 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, कन्नौज में 5 पुलिस स्टेशन 9 में से 5 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, इटावा में 20 में से 9 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, 86 में से 56 डीएम सिर्फ एक जाति के लोग। ये ना समाजवाद करते हैं सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद करते हैं, तभी जब 5 यादवों को टिकट देते हैं लोकसभा में, 5 के 5 अखिलेश यादव की यादव बोलिए ना, ये यादव ना हिंदू के ना, अरे इनके पेट को तो चुप कराइए, बोलिए ना, आपका नाम ले लिया बोलिए। राकेश जी आप प्रदीप जी के पिछले 10 डिबेट्स को आप एनालाइज करिएगा, इनका टेप रटा रटाया वही 5-6 लाइनें ये बोलते हैं ज्यादातर डिबेट्स में, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अरे प्रदीप जी, कुछ अपनी पार्टी से कहिए, कुछ डेटा वेटा दें तो कुछ, कम से कम थोड़ा सा एक्सपेंड करिए अपने डिबेट्स को, जनता भी थक जाती है। अरे भैया, जो गुंडा होता है उसको 10 या 100 डिबेट में गुंडा बोलूंगा, जो रेपिस्टों को बैक करेगा 10 में से 100 डिबेट में उसको रेपिस्टों को बैक करने वाला बोलूंगा, जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनाया 10 क्या 1000 बार बोलूंगा प्रभु श्री राम को टेंट में रखा। आपको बीजी रखती तो लगे, मैं हिंदू समाज को आपको बांटने नहीं दूंगा, आपकी जातिवादी राजनीति कम्युनिस्ट। अच्छा ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा 2 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास चला गया हूँ, आऊंगा फराज की भाई, थोड़ा सा 2-4 मिनट समय दीजिए, आता हूं मैं, फिर दोबारा आप लोगों के पास आता हूं और वहीं से शुरू करूंगा। अब प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, मेरे सवाल का सीधा जवाब दानिश ने भी नहीं दिया, मेरे सवाल का सीधा जवाब फराज किदवई ने भी नहीं दिया, तो क्या पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम या उनकी पॉलिटिक्स इस एक नारे से हिल गई है? कौन सा नारा? योगी का, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे के नारे को नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था और फिर उन्होंने उसको करेक्शन भी किया, एक है तो सेफ है, तो करेक्शन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और ये मानकर कर रहे हैं कि ये नकारात्मकता फैलाता है, काटने उठने की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम तो नरेंद्र मोदी जी के नए नारे का हम वेलकम करते हैं। नहीं, संघ ने भी नारा दिया, संघ ने तो दो टुक कह दिया, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने समझाया कि ये संघ मोदी, ये कौन सा बटोगे तो कटोगे, हमसे भी गलती हो गई, चलो इसमें सुधार करते हैं, एक है तो सेफ है, नहीं तो तुरंत उस पैटर्न पर नारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये नारा जो जैसा कह रहे हैं कि बलून में लग गया, जो अपोजिशन के इसका ये कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि बलून में ये पिन लग गया, लेकिन ये दरअसल इस नारे की जरूरत क्यों पड़ रही? चुनाव है तभी तो ये नारे आ रहे हैं। आप बोलिए उत्तर प्रदेश में ही क्यों घमासान है? क्योंकि बाई इलेक्शन है।
भाई अभी बिहार में तो कोई ऐसा नहीं करना, बिहार में भी हो रहा है क्योंकि वहां भी चुनाव आने जाना, नारा यूपी में करे थोड़े नहीं है, महाराष्ट्र पहुंच गया ये नारा, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, जहां चुनाव नहीं है भाई राजस्थान में नहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है इस नारा, जहां चुनाव होगा वहां ये नारा दिखेगा। और दूसरी बात है कि वो बात सही है कि AIMIM हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या कट्टरपंथ इस पक्ष का उस पक्ष का, जो उसके साथ होते हैं वो दोनों एक दूसरे को कैटर करते हैं और कितना खुश। और दूसरी बात यह हमें थोड़ा मीडिया पर भी बोलना जरूरी होता है पांडे जी, आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, ओवरऑल बोलता हूँ, जैसे जो बयान चला खून खोल जाता है सुनकर के भाई कि हिंदुओं की बहन को ये बना दिया, मल्लिकाए हिंदुस्तान बना दिया वगैरह वगैरह, खून खोलता है, लेकिन क्या इसको बीप लगा के नहीं दिखाया जाना चाहिए? क्या ये भड़काने वाला नहीं है? ये होना चाहिए, नहीं, ये बात सही है, आपने मान लिया ना कि भड़काने वाला है, बिल्कुल, तो आपने MIM से पूछा, दानिश से पूछा, ओवैसी से कभी पूछा किस तरीके का नारा क्यों दिया? मैं तो बजाय इससे कि सबको ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन कभी पूरे विपक्षी को सिस्टम से आपने पूछा? मैं तो दोनों को बोल रहा हूँ, कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं, दोनों कट्टरपंथी एक दूसरे को कैटर कर रहे हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, एक कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है, मजे लेता है, भले आज बोल दिया ये, ठीक, मैं अधेश जी के पास जा रहा था, लेकिन दानिश आप लोग मजे ले रहे हैं। नहीं दानिश क्यों भाई, नरेंद्र भंडारी जी मजे नहीं ले रहे क्या? बोल रहे 532 साल से राम मंदिर जो दानिश को आपने पिन पॉइंट किया, एक रिप्लाई ले लीजिए, फिर मैं उदय जी के पास जा रहा हूं। दानिश बोलिए, दानिश प्रदीप भंडारी जी फैक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट हो जाइए, राम मंदिर में मूर्ति कब अवतरित हुई थी? 532 साल पहले, क्या 532 साल से क्या मूर्ति बिना छत की थी? आगे तो थोड़ा करेक्शन तो बोलिए। चलिए दानिश, 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 दानिश 30 सेकंड। मैं आपसे, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कांग्रेस के पक्षधर रखने वाले मानते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ, शायद क्यों जानते हैं ऐसा पर्सनल टिप्पणी जो है, क्यों जानते हैं इस रूप में कि कांग्रेस का, मैं तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखता हूँ, अब मैं आपको, मैं तो पूरे अपोजिशन का पक्ष रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जन्म, अब आप सुन तो लीजिए प्रेम साहब, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जन्म जुमा 8 दिन हुआ 1980 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, उससे पहले सन 47 से लेकर 80 तक जितने भी दंगे हुए, चाहे मलियाना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे ईदगांव के दिन, दानिश ने चलाई, आपकी पार्टी के इतिहास और ओरिजिन पर जाऊंगा ना तो जवाब नहीं दे पाएंगे, ये यकीन मान लीजिए आप, मैं सुनिए कि आपकी पार्टी की शुरुआत कहां से हुई, क्या इसका इतिहास है, कौन कहां चला गया, तो वहां पर जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा हिसाब किताब, ऐसा थोड़ी नहीं कि 47 के बाद हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं बन सकती है, भाजपा बनी, कांग्रेस पहले से रही, सपा बनी, आम आदमी पार्टी बनी, तो ये सब कहने की दलील मत दिया करिए, कल को फिर जरूरत पड़ेगी, कोई नया नेता उठेगा, नई पार्टी बना लेगा, उसका वेलकम करेंगे अगर वो लोगों के लिए काम करेगा, तो ये सब कहने की दलील नहीं है। चलिए अवधेश जी, हो गया भाई, रुक जाइए, हो गया, इस देश में अच्छा हिंदू महासभा से आपने कभी सवाल पूछा कि जिन्ना के साथ में आपने सत्ता चलाई थी, तो क्या हुआ? चलिए रुक जाइए, पूछा जाएगा, अपने सवाल का जवाब देंगे नहीं और मुझे ज्ञान देंगे किससे क्या सवाल पूछा? अवधेश जी अब रुकिए, दानिश प्लीज 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 दानिश रुकिए। देखिए पहले तो मुझे इस बात का बेहद अफसोस होता है, मुझे गुस्सा भी आता है कि हम सब लोग एक डिबेट में बैठते हैं, कोई विषय आए उस पर बात किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी अपना पक्ष रखे, अखिलेश जी को मान लीजिए उनका अपना एक पक्ष है उन्होंने रखा, लेकिन वो पक्ष ऐसा नहीं है कि किसी भी को गाली दे रहा हो। ये शौकत अली की जो भाषा है, अब उन्होंने कहा बीप, तो मैं तो नहीं मानता हूं कि बीप दे के दिखाना चाहिए, इन लोगों को तो ला के चेहरा करना चाहिए, लेकिन यूपी में वो आदमी बोल रहा है, अगर अभी तक उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो यूपी सरकार पर ये प्रश्न चिन्ह है कि ये एक आदमी खड़ा होकर हिंदुओं को गाली दे रहा है, उसकी माताओं बहनों को गाली दे रहा है और इस ढंग से नहीं, मैं एक चीज कर दूं, ये बयान 2 साल पुराना था और तब एफआईआर, चाहे 4 साल पुराना, नहीं एफआईआर दर्ज हुई थी, हाँ तो हुई थी, तो इस पर कार्रवाई, साधारण बात है, भड़काने वाला बयान है, कितने समय का भी बयान हो, अगर उस पर मोटा मोटी एक छोटा मोटा एफआईआर दर्ज हो जाए, होना चाहिए, पॉलिटिकल डिबेट अलग विषय होती है, लेकिन इस प्रकार से भाषा देखे, किसी ने हिंदू ने मुसलमान से शादी किया, मुसलमान हिंदू से शादी किया, हम पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये समान घटना थोड़े है, भारत में आग लग जाएगी इससे, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं ये सब, और एक शब्द आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं। दूसरा ये है कि देखिए जो जोगी जी ने जो कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, ये बात सही है कि ये कैची नारा है, और वो उसके बाद वो भी भाषा है, मैं प्रेम जी कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उसके बाद सेकंड सेफ तो मोदी जी ने कहा है, जोगी जी का ही जो भाषण ध्यान से सुनेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने बताया, और ये सच है कि भारत के
बटने के, भारत के लोग बटेंगे तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, और इस समय जो बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत है कि दीपावली तक में अटैक हो रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है तुम इस देश के छोड़ के चले जाओ नहीं तो मुसलमान बनो, पाकिस्तान में हिंदुओं की और सिखों की क्या दशा हो गई, अफगानिस्तान में ढूंढने से लोग नहीं मिलते हैं, तो एक तो ये भयावह सच्चाई है, उस सच्चाई को कोई नेता उजागर करे तो आप उसको सांप्रदायिक बता दे सोचने की बजाय, इस देश के जो लिबरल मुसलमान है जो बड़ी संख्या में है उनको भी विचार करने की आवश्यकता यह है कि यह परिस्थिति कहां तक जाएगी। बीजेपी की पॉलिटिक्स हो सकती है, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स हो सकती है, हालांकि अखिलेश जी कह रहे हैं, आप सोचिए ना, पीडीए कहना तो समाज को एकजुट करना हुआ, संपूर्ण हिंदुओं की एकता की बात करना समाज को तोड़ना हो गया। यह विचित्र राजनीति का इडियम है कि आप संपूर्ण हिंदू में से कुछ छांट के कहते हैं कि इनकी एकता जरूरी है, तो वो तो हो गया देश की एकता की बात, और कोई नेता कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कोई नहीं बटो, बटने के बाद जो हालत। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक सवाल तो छोटा कैसे हो गया, नहीं तीसरी बात, जो बीजेपी ने कहा कि ये नारा सटीक लगा है, तो क्या वाकई ये नारा सटीक लगा है और पीडीए टूटने की आहट है ये, इसलिए पोस्टर पे पोस्टर, नारे पे नारे, और अब आज वाली बात नहीं। कई बार देखिए, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये जो बटेंगे कटेंगे शब्द है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये शब्द सीधे लोगों के अंदर गया है, और चूंकि बांग्लादेश के संदर्भ से ही निकला है और वो हमारे इतिहास का पाठ है, तो लोगों की ये समझ में आ रहा है, दूसरा इस देश में उतना ही नहीं है ना भाई। अब इस समय प्रतिमा विसर्जन पर हमले हो रहे हैं, एक INDIA का नेता, वो जो लड़का उस पर चढ़ा, उसने झंडे उतारे हरा, सबने हमने आलोचना की, लेकिन उसके पहले उसी जुलूस से भगवे झंडे उतारे गए, पत्थर चलाई गई उसी मूर्ति पर, गालियां गाली गलौज हुआ है, उस पर किसी ने बात नहीं की। अगर वो उतारने गया तो आप पुलिस को नहीं दे सकते, आप उसको गोली मार देंगे। कोई एक आदमी आलोचना करने के लिए किसी INDIA के नेता तैयार नहीं है कि हम दोनों तरफ की आलोचना करें, तो ये जो परिस्थिति बन रही है उसमें तो योगी जी का जो वक्तव्य है पूरे देश में जा रहा है, लोगों के अंदर अपील कर रहा है। अब मैं उसका चुनावी पहलू नहीं बोल सकता हूँ क्या परिणाम आएगा, लेकिन लोगों के अंदर भाव पैदा हो रहा है कि इस समय देश में दूसरे पक्ष में कट्टरपंथ बढ़ा है, विपक्ष की पार्टियां वोट के लिए उस कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, हमारे धर्म यात्राओं पर अटैक हो रहे हैं। अब कोई माना जा रहा है नजीबुल्ला जो है लेबनान में 10,000 लोग निकल, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हर घर से नजीबुल्ला निकलेगा, क्या ये देश की एकता का विषय है? बिल्कुल सब हिजबुल्ला क्या देश की एकता का विषय है? सिर तन से जुदा एक आदमी ने कुछ बोला, उस पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन उस सिर तन से जुदा करते हुए 10,000 के नारे लगा के लोग कर रहे हैं, इसकी आलोचना जो बातें अवधेश जी ने कही, और वही सवाल है कि नारा बड़ा सटीक लगा है, इसीलिए पोस्टर पे पोस्टर काउंटर नारा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, कभी जुड़ेंगे जीतेंगे, कभी पीडीए, कुछ की बात करिए तो एकता की बात, संपूर्ण हिंदू की बात करिए तो दिक्कत हो जा रही है। देखिए राकेश जी, अवधेश जी ने अभी कहा, मैं देखिए हमारी पार्टी और खासकर मैं, हम लोग जो हैं वो मान लिए किसी जुलूस पे पत्थर चले, किसी के साथ कहीं मारपीट हो, हम लोग उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, मान लीजिए। लेकिन राकेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अवधेश जी से बोलना चाहूंगा कि जहां पर यह हादसा हुआ था उसके बगल का एक जिला बाराबंकी है, वहां पर एक जुलूस में मां की गालियां दी गई हैं और नारे की शक्ल में, उस पर SP साहब ने FIR भी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उस पर कुछ नहीं बोला। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो भी काम होते हैं ये गलत होते हैं, मां की गाली देना और हजारों लोग एकदम से, आपके चैनल पर मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता हूं। नहीं नहीं, फराज किदवई जी, आपने कहा कि गालियां दी गई गलत है, लेकिन कोई गाली देगा कुछ करेगा तो मार देंगे, गोली मार देंगे, काट देंगे। नहीं, कौन कह रहा है जो बहराइच में हुआ, आप लोग आज तक तय नहीं कर पाए, आप लोग आज तक नहीं तय कर पाए कि उस रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं, कुछ सरफराज तालीम के साथ खड़े हैं, आज तक आप लोग तय नहीं कर पाए सर। देखिए सुनिए राकेश जी, चाहे अनुराग यादव का सर तलवार से काट दिया गया हो और चाहे उस लड़के की हत्या हुई हो, दोनों की हम भर्त्सना करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं भर्त्सना करते हैं ठीक है, लेकिन उस सरफराज तालीम के साथ नहीं खड़े हैं, ये नहीं बोल पा रहे आप। अरे कैसे बोले बताइए, लिख करके दे दें, एफिडेविट बना करके दे दें। नहीं नहीं, मुझसे बोल दीजिए भाई, कोई एफिडेविट नहीं मांग रहा है, आज तक मैंने दसियों प्रवक्ता से पूछ लिया, कोई नहीं बोल पाया।
राकेश जी मैं आपको अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको एफिडेविट बना करके भिजवा दूंगा। अब दूसरी बात, अवधेश जी की ने हमारे पीडीए पर सवाल उठाए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और अवधेश जी को मुझे लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि आपको विश्लेषण अवधेश जी करना चाहिए। आपने हमारे पीडीए पर सवाल उठाया, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जिस चीज को विघटन बोलते हैं उसको हम सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस बोलते हैं, पर 20 सेकंड हमको और दे दिएगा। अब ये बताइए कि अवधेश जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोहन भागवत जी ने जब ये कहा था कि इस देश के दलितों और पिछड़ों के साथ 2000 साल तक पशुओं के जैसा अत्याचार हुआ, वो अत्याचार किसने किया था, वो बांटने वाली बात थी कि नहीं थी? अगर इस देश के दलितों और पिछड़ों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ तो उस पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? और दूसरी तरफ अगर आप बोलते हैं कि देश में जात नहीं है तो प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट करके बोलते हैं। प्रदीप भंडारी के पास जाता हूं। नहीं, देखिए ऐसा है, मोहन भागवत जी ने एक बार नहीं 100 बार उस विषय को बोला है कि हमारे देश में समाज का एक ऐसा वर्ग रहा है जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, गांधी जी ने यह बात कही है, लेकिन वो सब हमारे समाज की विकृति थी, वही भारत नहीं था पहले, तो उस विकृति को ही स्वाभाविक मान के और उसी को आगे बढ़ाना, उसकी बजाय कि उस विकृति को दूर करने का काम करना। 20 सेकंड दे दीजिए आप। अरे भाई सुनिए, 20 सेकंड में, मुझे अच्छी तरह पता है उन्होंने ये भी कहा था कि हम सब, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा डीएनए एक है और हमको सभी मस्जिद में नहीं ढूंढना है शिवलिंग। ये बहुत बातें वो बोलते हैं, वो देश के को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वोट के लिए अगर आप जान बूझ करके, और आज तो आप देखिए, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, आप पूरे देश में एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सबका रिकॉर्ड देख लीजिए कि अगर देखा जाए, वैसे पिछड़े नाम का कोई जाति नहीं है, कोई यादव है। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मान लीजिए एक यादव को टिकट दिया गया, कौन है, क्या जनरल यादव या उस परिवार का है? जो लोकसभा चुनाव में हुए हैं, क्या सामाजिक न्याय एक परिवार के यादवों के लिए है क्या? वो तो जरा ध्यान देता है, बिहार में लागू करना है, बेटी बेटा सब नहीं, तो ये पिछड़ों की। अच्छा चलिए ले लीजिए 15 सेकंड, पंद्रह सेकंड, लेकिन अवधेश जी से ये पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अरे फिर आप चले गए सर मुसलमानों पर, आपके अपने पर सवाल आ जाता है तो आप चले जाते हैं पीडीए में। एक का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान की आप बात करते हैं, बाकी सब समुदाय जो है माइनॉरिटीज में जो है वो आपके लिए माइनॉरिटी नहीं हो जाते। तो सर ये परिभाषा आपकी खुद बांटने वाली है, जब आप माइनॉरिटीज में सिर्फ कहते हैं कि हमारे लिए माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुसलमान है, बाकी कोई माइनॉरिटी इस देश में नहीं है, तो सर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली बात समझ में आती है। चलिए प्रदीप भंडारी सर, प्रदीप भंडारी, सामाजिक न्याय इतना छोटा शब्द नहीं है, आप पढ़े प्रदीप भंडारी, सोशल जस्टिस पीडीए, बिहार पीडीए कहेंगे भावना सामाजिक न्याय, आप कहेंगे संपूर्ण हिंदू के लिए एकता की बात, तो वो विघटन वाली बात है, इनका सीधा सा फॉर्मूला है। राकेश जी मैं वापस से कहूंगा, ये कोई इनका पीडीए नारा नहीं है, सिर्फ कहने की बात है, ये हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं और मुस्लिम रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। ये रहा, मैं आपको, मैं तथ्य के साथ बात करता हूँ, इसीलिए घबराते हैं क्योंकि इनके पास कोई तथ्यों का जवाब नहीं होता। ये रहा 18 मई 2013 का हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, जिसमें अखिलेश यादव यूपीए सरकार को कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन लेके आओ। ऐसी सोच जिन्ना की हुआ करती थी, इनकी सोच ये है कि हिंदू समाज को बांटो 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 और मुसलमानों के अदर से रिजर्वेशन लेके आओ। इनकी सोच बताता हूं, 2008 के अंदर टेरर एक्यूज के परिवार मोहम्मद सैफ जो बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज था, उस बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज से परिवार के परिवार से लेके बोलना चाहे लोग, राकेश जी मैं इनको सुन रहा था, बोलना चाहे लोग 10 सेकंड के अंदर, या तो ये फराजी प्लीज एक एक करके, मैंने पहले कहा कि अगर आप काउंटर करते हैं तो 2 लाइन बोलकर चुप हो जाया करिए सर, और लगातार लंबा बोलना है तो इशारा करिए, वरना दर्शकों को नहीं समझ में आता है। फराजी प्लीज, आपने 2 लाइन बोल दी, प्लीज सर, प्लीज बोलिए प्रदीप भंडारी। मैं सिर्फ 5 पॉइंट बोलूंगा, 2013 के अंदर ये यूपीए सरकार को कह रहे थे मुसलमान रिजर्वेशन लेके आओ, ये इनका समाजवाद। 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज मोहम्मद सैफ के परिवार से ये मिल सकते हैं, पर गोपाल मिश्रा के परिवार से नहीं मिल सकते, क्योंकि गोपाल मिश्रा हिंदू है और मोहम्मद सैफ जो आतंकवादी ब्लास्ट के अंदर पाया गया था, एक्यूज था, उसके परिवार से मिलते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट को एकजुट करना है। ये गोपाल मिश्रा के परिवार से नहीं मिल सकते, पर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उधर से मुस्लिम वोट एकजुट करना है, हिंदुओं को जाति में बांटना है। ये कास्ट सेंसर की बात करेंगे सिर्फ हिंदुओं के अंदर, पर मुसलमानों की जातियों के बारे में एक अखिलेश यादव का ट्वीट दिखा दीजिए,
एक ट्वीट इनका नहीं होगा। और इनका समाजवाद बताता हूं, ये रहा इनका समाजवाद, इनके समाजवाद में इनके बड़े बड़े बंगले बन जाएंगे परंतु बाकी किसी का कोई भला नहीं होगा। तभी 699 मर्डर हो जाते हैं 45 दिन में जब ये शासन के अंदर आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। और मैं 500 बार बोलूंगा प्रभु जी राम के। चलिए फराज किद भाई एक रिप्लाई करिए, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ। इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। इनका राष्ट्रवाद देखिए, इनका राष्ट्रवाद देखिए। सैफुल्ला फारूक जो कश्मीर में पंडितों का हत्या हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी के सिरमल से चुनाव लड़ा। अरे सैफुल्ला फारूक पाकिस्तान से जो हथियार उसे चोरी करवाया है भैया, वो कोई टेरर क्यों मेंशन में है? जवाब दीजिए 2008 के टेरर एक्ट के केस में जवाब दीजिए कि बॉम्बे पाकिस्तानी समर्थित बात होती है, हुसैन खड़ा होता है, किससे ज्यादा परेशान की बात होती है? क्यों भाई साहब मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, सक्सेना के बारे में आपको बताएंगे एक साथ नहीं प्लीज, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, एक साथ नहीं, एक साथ ठीक है, ठीक है फराज के भाई, ठीक है आपकी परिभाषा सर अभी भी आप नहीं आए, अब रुक जाइए रुकिए प्रेम जी, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ जहाँ से मैंने डिबेट शुरू किया था। ठीक है, जहाँ से मैंने डिबेट शुरू किया था कि क्या MIM यूपी में मौके तलाश रही है, वरना दानिश अभी तक जवाब नहीं दे पाए कि ये कटने की बात, लिंचिंग की बात, दाढ़ी टोपी तक पहुंच गए, शरीयत तक पहुंच गई, यहां तक पहुंचने की जरूरत क्या थी? देखिए मौके तो तलाश ही रही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, और उसका हक भी है, कई चुनावों में AIMIM चुनाव लड़ी है। और लेकिन जो प्रवृत्ति दिखती है चुनाव के समय में, हम तो BJP और AIMIM दोनों की प्रवृत्ति एक जैसा देखते हैं, हिंदू मुसलमान में तनाव है क्योंकि चुनाव है, जैसे चुनाव आता है उस समय दोनों को ऐसे एक दूसरे को प्रोवोकिंग मुद्दे चाहिए होते हैं और उससे वातावरण को पोलराइजेशन और एंटी पोलराइजेशन करते हैं। और वास्तव में AIMIM BJP की ही मदद कर रही होती है, ये खुली बात है, ये कोई रिसर्च का भी विषय अब रहा नहीं, सबको पता है। अच्छा। ये तो दोनों एक दूसरे को महाराष्ट्र में लेटर लिख रहे थे कि हमको गठबंधन में शामिल कर लो, वो भी उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया कि उनकी बी टीम है, आपने कह दिया, तो क्यों वहां पर महाराष्ट्र में कह रहे थे हमको गठबंधन में शामिल कर लो? कौन कह रहा था? AIMIM ने कहा था, हाँ वो भी उनकी रणनीति का हिस्सा है भाई, वो तो तेलंगाना में भी अलग किस्म से वो कर रहे थे। अरे दानिश भाई क्या है, किधर है आप लोग भाई? BJP की ओर है, कांग्रेस की ओर है, कभी सपा की ओर, समझ में नहीं आता आप लोग? दानिश जी आवाज आ रही है, सवाल आपसे ही था। जी जी बोलिए, क्या सवाल है? मैं कह रहा हूँ प्रेम जी कह रहे हैं कभी आप BJP की ओर, कभी कांग्रेस की ओर, कभी सपा की ओर, कुछ आप लोगों का अपना एजेंडा ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा तो भड़काएंगे। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, दरअसल दिक्कत क्या है कांग्रेस की, और रह गई बात के आप बार 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 भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के समर्थक एक बात ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है उस अलायंस में जाने की बात करते हैं, तो एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की बात खासतौर पर मैं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की जो ये बात है वो यही है कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप स्टैब्लिश ना हो जो मुसलसल वो चलाते आए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम विरोध करें तब भी परेशानी, अगर हम सहयोग करें तब भी परेशानी, सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों के हक की बात अगर बैरिस्टर सतुद्दीन उवैसी साहब करते हैं, और अगर शौकत अली की बात आप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या मुसलमानों के जो हालात है योगी सरकार में क्या आपको नहीं पता? आपके क्या खामोशी नजर नहीं आती इनको? अखिलेश यादव की खामोशी जब उनके खुद के नेता जेल में होते हैं, आज तक मुझे ये बताया कितने? नहीं 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 दानिश, ये कह देना बहुत आसान है ना कि मुसलमानों के खिलाफ है सरकार, अरे गिनवाइए ना क्या क्या हो गया मुसलमानों के खिलाफ। आप लाउडस्पीकर की बात करते हैं, आप किसी आपराधिक घटना में तुलना की बात करने लगते हैं, तो नियमों की बात करिए ना, नियमों के हिसाब से कार्रवाई हुई, ऐसा थोड़ी नहीं कि मुसलमान के लिए अलग नियम बन गया, हिंदू के लिए अलग नियम बन गया। चलिए वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।